बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज भी आप हमारे साथ हैं, एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं आज के ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ। मैं हूं इमरान हसन। मैंने कहा शायद आज मेरा नाम बोल गए। मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने नॉर्मली ये कहते हैं, मेरा नाम बोल देते हैं, बाद में कहते हैं यू नो सरप्राइजेस हर दिन नहीं होते। अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि सरप्राइजेस नहीं होते, इट्स वेरी ऑब्वियस। इमरान हसन, आपका नाम लेना वाज अ सरप्राइज। नो, इट रोज हम नहीं लेते। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। खैर, बात हम ये कर रहे हैं कि कल एक बहुत जबरदस्त पावर शो हुआ बकौल ऑपोजिशन के, जो मुझे कतई तौर पे पावर शो नहीं लगा। और मुझे लगा कि इस वक्त जो पावर है उसमें से हवा निकल रही है, जो पीडीएम का एक बयानिया है, ऐसा लगता है कि वो दम तोड़ रहा है। कम से कम पब्लिक सपोर्ट की मद में तो मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि कल मुझे लगा कि इस्लामाबाद बिल्कुल जैम हो जाएगा, सड़कों पर ट्रैफिक रुक जाएगी, बहुत बड़ी तादाद में ऑडियंस निकल आएगी इलेक्शन कमीशन के सामने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस बात पे पॉइंट स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा की गई। हुकूमत ने भी कहा जी बहुत ही फ्लॉप शो था, अगर इन्होंने यही करना है तो फिर तो हम लॉन्ग मार्च की भी इजाजत देंगे। ये जिन्होंने कहा है उनसे हम आज आपकी मुलाकात भी। मुझे लगता है कि जो जो दिन गुजर रहे हैं ना, जो जो एक नई चीज ऑपोजिशन सामने ला रही है, तो हुकूमत को मजीद उससे हेल्प हो रहा है कि अच्छा नहीं, ये तो तहरीक में इतना दमखम नहीं है। लेकिन जितने वो पहले इजी और घूम रहे थे ना, चला वो बेहद। मैं इस चीज से परेशान हो रहा हूँ कि जितनी हुकूमत पहले इजी है, अगर इससे मजीद इजी हो गई तो आवाम का क्या होगा। ये भी एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन सुबह सुबह हम सियासत की बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि हमारा काम है, क्योंकि हमें आपको सुबह सुबह सियासत के हवाले से बताना होता है। लेकिन चूंकि शो में बहुत कुछ है, सेगमेंट्स भी हैं, खबरें भी हैं, सबसे पहले आपको बताएंगे आज के हेडलाइंस। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर पावर शो, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले जल्द करने का मुतालबा। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे की नाकाम कोशिश की, वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। कोरोना के वार जारी, वजीर आजम का मार्च तक कोरोना वैक्सीन की फराहमी के सिलसिले में इकदाम तेज करने की हिदायत। जो बाइडन की तकरीब हलफबरदारी आज होगी, वॉशिंगटन में गैर मामूली इंतजाम। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी मुगलिया सल्तनत के अजीम शाहकार कामरान की बारादरी। पहली मर्तबा यूके समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाने वाले मैगजीन के सीईओ तहूर हुसैन जाफरी होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले नन्हे तबला नवाज रायन और आइजिक होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राणा खिलाएंगी शहर कसूर के मशहूर अंदरसे।